गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू हम अपना चैप्टर सेवन कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स शुरू करेंगे इसमें हम यहाँ तक कर चुके थे प्रोटेक्टेड एरियाज नेशनल पार्क हम पढ़ चुके हैं अब हमें पढ़ना है प्रोटेक्टेड एरियाज़ में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इट इज़ एन एरिया दैट इज़ स्ट्रिक्टली रेस्ट रिजर्व फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ इन देयर नेचुरल हैबिटेट मतलब ये एक ऐसा एरिया है जो स्ट्रिक्टली किस लिए रिजर्व किया गया है किस लिए सुरक्षित किया गया है प्रोटेक्ट किया जिससे कि वो क्या कर सके जानवरों को प्रोटेक्ट कर सके और उनके नेचुरल हैबिटेट में जहाँ के वो हैं वहीं उन्हें रखा जा सके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन एंड सुटेबल लिविंग कंडीशन टू एनिमल्स इन देयर ओन नेचुरल हैबिटेट जैसे मान लो मोर आपके मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं ये मान लीजिए तो मध्य प्रदेश में ही उनके लिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई जाएगी ठीक है इसका मतलब है कि जहाँ जो जानवर पाया जाता है वहीं पे उनका क्या कर दिया जाए प्रोटेक्ट कर दिया जाए तो वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहलाती है इट डज़ नॉट अलो एनी ह्यूमन एक्टिविटी डेट डिस्टर्ब्स स वाइल्ड एनिमल्स एंड देयर हैबिटेट्स ये कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी कोई भी आ, किसी भी इंसान की क्या क्रियाकलाप यहाँ पर कोई भी ऐसे क्रियाकलाप जो क्या करें वाइल्ड एनिमल्स को जंगली जानवरों को क्या करें डिस्टर्ब करें परेशान करें ठीक है और उनके घर को मतलब तो और उनके जो घर है उनको डिस्टर्ब करें क्योंकि जंगल काटने की वजह से उनके घर उनसे छिन गए थे ना जानवरों से तो अगर वहीं पे सरकार क्या करेगी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना देगी तो वो जानवर भी सुरक्षित रहेंगे और हमारे जंगल भी इन अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सम एक्टिविटीज़ लाइक हार्वेस्टिंग ऑफ टिम्बर एंड कलेक्शन ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स आर अलाउड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कुछ एक्टिविटीज़ अलाउड होती हैं जैसे कि लकड़ी काटना वग़ैरह लकड़ी ले जाना कुछ और कुछ माइनर फॉरेस्ट प्रोजेक्ट प्रोडक्ट्स जैसे कि फल वगैरह अगर कोई फल वगैरह का पौधा है तो वो तो उसमें से आप फल वगैरह ले सकते हैं जैसे अमरूद का पेड़ है तो आप अमरूद उसमें से तोड़ सकते हैं ये सब अलाउड है वहाँ पर क्योंकि ये एनिमल्स को इफ़ेक्ट नहीं करता है ठीक है ये देखिए एक मैप दिया गया है जिसमें आपको दिखाया गया है कि कौन से हमारे फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ और नेशनल पार्क्स हैं हमारे भारत के ठीक है और कहाँ है नेक्स्ट देखिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ ऑल्सो प्रोवाइड सेफ़ हैबिटेट फॉर सम ऑफ द थ्रेटन वाइल्ड एनिमल्स जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ है वो कुछ ऐसे जानवरों को जो क्या है ख़तरे में हैं जो ख़त्म हो सकते हैं आगे जाकर उन जानवरों को भी प्रोटेक्ट करता है जैसे ब्लैक बक एलिफेंट गोल्डन कैट पिंक हैडेड डक घड़ियाल पाइथोन एंड डाइनोसरस इन जानवरों को भी ये प्रोटेक्ट करता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज़ डिफरेंट फ्राम जू बिकॉज इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एनिमल्स लिव फ्रीली इन देयर नेचुरल हैबिटेट वाइल इन ज़ू दे आर कैप्टिन केजेस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये चिड़ियाघर से अलग होता है क्यों अलग होता है क्योंकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एनिमल्स अपनी मर्जी से कैसे भी रह सकते हैं पर चिड़ियाघर में क्या किया जाता है उन्हें पिंजुरों में रखा जाता है देयर आर अबाउट फाइव हंड्रेड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन इंडिया हमारे यहाँ पूरे पाँच सौ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं इंडियन सेंचुरीज़ हैव यूनिक लैंडस्केप जो इंडियन सेंचुरीज होती हैं उनकी अलग ही लैंडस्केप होती है ब्रॉड लेवल फॉरेस्ट बहुत बड़ा लेवल का फॉरेस्ट होता है माउंटेन फॉरेस्ट भी होते हैं कहीं कहीं बश लैंडस होते हैं डेल्टाजेप बड़ी बड़ी रिवर्स के ठीक है डेल्टाज होते हैं सम वेल नोन सेंचुरीज़ आर कुछ बहुत ही ज़्यादा फेमस सेंचुरीज़ हैं और अच्छे तरीके से जाने जाती है हमारे देश की वो कौन कौन सी हैं भारत भरतपुर बर्ड सेंचुरी जो राजस्थान में है द ओनली प्लेस इन इंडिया वेयर साइबेरियन क्रन्स आर फाउंड हमारे भारत में सिर्फ एक ऐसा देश सॉरी एक ऐसी सेंचुरी है जहाँ पे साइबेरियन क्रेन पाई जाती है सेकंड चिल्का लेक बर्ड सेंचुरी जो कि उड़ीसा में है यहाँ पे इंडियन बर्ड्स पाए जाते हैं सुल्तानपुर लेक बर्ड सेंचुरी हरियाणा जहाँ पे इंडियन बर्ड्स पाए जाते हैं बंदीपुर सेंचुरी कर्नाटक में है जहाँ पर इंडियन एलिफेंट्स पाए जाते हैं मधुमलाई सेंचुरी जो तमिलनाडु में है यहाँ पर इंडियन एलिफेंट्स पाए जाते हैं तो ये कुछ आपके फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं से। आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे आपको यहाँ से यहाँ तक अच्छे से पढ़ना है और इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ को लर्न करना है कहाँ है क्या नाम है और किस लिए फेमस है ठीक है थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर लिसनिंग मी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर हिट करें